मारूफ बिजनेसमैन नजम मजारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम मजारी साहब, क्या ये जो बजट आया है, आप ये समझते हैं कि ये बिजनेसमैन के ये फ्रेंडली बजट है और बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा? देखें, बजट बनाते वक्त जब बिजनेसमैन मौजूद नहीं था तो फ्रेंडली कैसे हो सकता है। बजट जब भी बनाया जाता है, जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मार्केट के बिजनेसमैन हैं, उनके साथ बैठ के आप बजट बनाएंगे ना, तो जितने भी बजट आए हैं, जितने अभी नहीं, जब से भी गवर्नमेंट ने बनाया, कभी भी स्टेक होल्डर, कभी भी बिजनेसमैन के साथ मिलकर उन्होंने कभी भी नहीं बनाया, तो बजट फ्रेंडली हो ही नहीं सकता। और बजट बनाया जाता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी साथ रखा जाता है, आवाम का भी ख्याल रखा जाता है, बिजनेस कम्युनिटी का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे अच्छी बात है कि आवाम का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन बिजनेस जो कि इस पूरे मुल्क का पहिया चलाते हैं, इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी होती है, उनको साथ आप डिस्कस ही नहीं करते, स्टेक होल्डर को आप बुलाते ही नहीं है, तो बजट फ्रेंडली कैसे हो सकता है? आपके ख्याल में हुकूमत को बिजनेसमैन के लिए क्या ऐसी पॉलिसी और क्या फौरी तौर पर चंद इकदाम करने चाहिए जिससे मुल्क में ज़्यादा पैसे आ सकते हैं और माशी तौर पे हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट को कभी भी बिजली और जो पेट्रोल है ये कभी महंगा नहीं करना चाहिए, इस पर हमें सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को महंगा करते हैं तो उससे हज़ार और चीज़ें महंगी होती है। पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं, बिजली से हमारी पूरी प्रोडक्शन जुड़ी हुई है। आप बिजली महंगी करते हैं तो हर प्रोडक्ट पर कॉस्ट बढ़ जाती है, तो सब गवर्नमेंट को हमेशा पेट्रोल और जो बिजली है उस पर सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं वो सस्ती बने, जो सस्ती बनेगी तब भी आप महंगाई के ऊपर काबू पा सकते हैं। इसमें अब ये भी देखा गया है कि पिछले सालों में रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है इसने तो आगे अपनी राह ली या ऊपर गई, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कहीं पर हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। आपका, आप तो बिजनेसमैनों में रहते भी हैं, खुद बिजनेस करते हैं, आपकी इंडस्ट्री है, क्या देखते हैं कि बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको किस तरह से उनको फ़रोग दिया जा सकता है? देखें, मैं आपका कहने का मतलब ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप नहीं। सर देखें, सर उसका मसला ये है कि रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होते, एक आध FBR का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू स्टार्ट करना करें तो 500 के करीब तो महकमे आपको आके देखते हैं, तो मुझे बताएँ कि जब इतने महकमे आपके पास आएंगे तो इतना जो है ना प्रेशर कौन लेता है? तो इसीलिए लोग, ज़्यादा लोग रियल एस्टेट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक डिपार्टमेंट से आपकी डीलिंग है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपको सोशल सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, अगर कोई फूड है वो आ जाता है, अगर आपको मेडिसिन में तो ड्रग डिपार्टमेंट है, EYB है, पुलिस के अलग, ये महकमे अलग, तो इस वजह से हमारे मुल्क में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कोई नहीं करता बिजनेसमैन, वो इजी मनी की तरफ जाता है, इजी बिजनेस की तरफ जाता है। तो रियल एस्टेट तो सबसे आसान बिजनेस है, बैठे बैठे आ जाए आप काम शुरू कर दें, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आसानी करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लाइसेंस के लिए आसानियाँ पैदा करें, जो छोटे स्केल पर जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए लाइसेंस फ्री कर दें, कि अगर आप एक छोटे कमरे छोटे घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर उसी तरह नजर रखती है जिस तरह वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड पर रखती है, तो उनके थोड़ी अगर आसानियाँ पैदा की जाए, उनको कुछ छोटे छोटे लेवल पे लाइसेंस दिया जाए, आसानियां पैदा की जाएं, तो मेरे ख्याल में ये इंडस्ट्री डेवलप करेगी, वरना सिर्फ रियल एस्टेट ही रह जाएगा, बाकी कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकेगी। एक आम तासुर ये है कि बिजनेसमैन अपना टैक्स छुपाता है और टैक्स जो है हुकूमत बहुत ज़्यादा वसूल कर रही है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, टैक्स तो सब देते हैं, टैक्स तो आप भी देते हैं, टैक्स तो मैं भी देता हूँ, और अगर देखिए छुपाते तो इसमें गवर्नमेंट की नालायकी है ना, अगर कोई छुपा रहा है तो आप उसको पकड़े, तो क्यों, इट्स मीन कि आपका सिस्टम नाकाम है, बिजनेसमैन तेज नहीं, आपका सिस्टम भी, कि आप अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें, FBR है या जो भी इनकम टैक्स वाले, अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि बिजनेसमैन चाह के भी आपसे ना बच सके। ये बिजनेसमैन अगर पाकिस्तान में चोरी कर रहे हैं, बाहर चोरी नहीं कर रहे, इट्स मीन कि वहाँ का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो खराबी है सिस्टम की खराबी है, बिजनेसमैन कोई खराबी नहीं। और बिजनेसमैन टैक्स देना चाहता है, ऑफ कोर्स आप उसे लेंगे तो वो आपको देगा ना, जब आप उसका प्रॉपर ऑडिट करेंगे, आप उसे बताएंगे इतना टैक्स बनता है, और उसके मद में आपको गवर्नमेंट जो है ना ये फैसिलिटी सहूलियत देती है, आपका मेडिकल फ्री हो, आपका एजुकेशन अगर फ्री हो, तो बिजनेसमैन क्यों छुपाएगा? बिजनेसमैन ही बल्कि काम बंदा भी नहीं छुपाएगा।